बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़ ली, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ाओ जो मन में वो करो। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलाने हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में के मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीने की मिले, ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो, ये हिंदू धर्म सिखाता है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या कहे, वो कहे कि बस पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मन मांगो वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उम्र ठाक के लाओ, चल जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो जो मन में वो करो, ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलाने हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में के मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीने की मिले, ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है, इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आए थे पाए थे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे, मैं कहता हूं मैं करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो, ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे विवाह में सात्विकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, रजोगुण तमोगुण में नहीं जीना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा झूठ बेईमानी नहीं करना, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह को शौच संतोष, शौच संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान को जीवन के महाव्रत कहा है। चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, ये सारे सनातन धर्म का ही पूरा का पूरा विस्तार है। और सत्य सनातन वैदिक धर्म की, तो अपने जीवन में सनातन को जीना, अपने बच्चों को सिखाओ, ये एजेंडा आज लेकर के जाओ। कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां सुबह उठ करके योग ना होता हो, और सारी दुनिया को करना पड़ेगा, जो योग नहीं करेंगे मोटे मोटे हो जाएंगे, फिर कपड़ों में से पेट बाहर निकलोगे, कमर बाहर निकले, घड़ा तो जाने तो एकदम कुल्ला ऐसे हल्के के धरती फट जाएंगे। और बाबा जी ने भंडारा जोरदार कर रखा है, घड़ा को दो दो किलो वजन पांच दिन भंडारा खा के बढ़ गए, जो योग नहीं करेगा उसकी कमर बढ़ेगी, उसका कुल्ला मोटा मोटा हो जाएगा, फिर यूं ही उछालना।